हेलो एवरीवन। तो आज है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सेट नंबर 5, और ये थर्मोडायनेमिक्स का आज आखिरी सेट होगा। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स को बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं आते। मैंने पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूँ, थर्मो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिससे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे थर्मो से देखने को। तो जितने अगर नहीं भी किया है, जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो कर लेना, मोर देन सफिशियंट है। उनमें से कुछ ना कुछ घट ही जाएगा, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ये रट्टे मार लेने। इसी तरह से मैकेनिक्स में भी न्यूमेरिकल ठीक है मैं करा रहा हूँ, पर न्यूमेरिकल मैकेनिक्स में भी नहीं आते हैं, तो वो वन लाइनर जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला वाले मैंने कराए हुए हैं वो कर लेना मैकेनिक्स के अंदर। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हालांकि शायद मैंने कल करा दिया था, वापस कर लेते। हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर। हाइड्रोजन और हीलियम, देखो मैंने कल भी बताया था तुम्हें, हाइड्रोजन का जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, हाइड्रोजन का वो होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और कैल्विन में अगर लिखोगे तो, ये हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन के लिए, और कैल्विन में लिखोगे तो ये आ जाता है 193 कैल्विन। और इसी तरह से हीलियम के लिए जो होता है, हीलियम के लिए इसका इन्वर्जन टेम्परेचर होता है -258 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर कैल्विन में लिखोगे तो ये लगभग आता है 35 केल्विन। तो कूलिंग इफेक्ट शो ही तब होगा जब टेम्परेचर इस इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होगा। कूलिंग के लिए क्या जरूरी है, कूलिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो इस इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इस इन्वर्जन टेम्परेचर से हाई होता है। नॉर्मल टेम्परेचर इस इन्वर्जन टेम्परेचर से क्या होता है, हाई होता है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसलिए ये क्या शो करते हैं, हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं कब, नॉर्मल टेम्परेचर पर। ये वैल्यूज याद रखना है, ये पूछी जा सकती है डायरेक्ट। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी फॉर फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेज रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेज रहेंगी आईआईटी जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200+ क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हीलियम के लिए और जो हाइड्रोजन है उसके लिए जो उसकी इन्वर्जन टेम्परेचर है वो कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ग्राफ इनवेक्स, तो इसको हम क्लेसियस क्लैपेरॉन से करते हैं। डीपी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल ओवर टी वी टू माइनस वी वन। तो पैराफिन वैक्स की बात करें तो अगर ये सॉलिड है और सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो वैक्स लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वी टू माइनस वी वन की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो डीपी अपॉन डी टी जो है वो आएगा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो आएगा तो यदि प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉलिड टू लिक्विड के केस में होता है मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड टू वेपर के केस में होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर यहां पर वाटर लिखा होता वाटर, तो वाटर के केस में ये डिक्रीज होता, क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, वाटर का जो वॉल्यूम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज होता है। वाटर के केस में यहाँ पर आता आंसर डिक्रीज, वो ध्यान रखना है वाटर वाला। यहाँ हो सकता है कि वाटर लिख दिया जाता, या ऐसा लिख दिया जाता कि आइस कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर यहाँ पर लिख दिया जाता आइस, इफ आइस अगर होता आइस,
तो वी टू माइनस वी वन की वैल्यू आ जाती लेस देन जीरो, लेस देन जीरो आती है तो फिर डीपी अपॉन डी टी हो जाता लेस देन जीरो, तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता, प्रेशर इंक्रीज करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यूजिंग एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन एक टेक्निक है लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने की, इससे हम 1000 केल्विन तक, है ना, 1 केल्विन तक जो टेम्परेचर है उसको हम नीचे ला सकते हैं 1K तक। और इसके अलावा इसमें जो यूज किया जाता है मैग्नेटिक्स, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें यूज किया जाता है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस उसका नाम भी क्या होता है, गैलोडियम सल्फाइड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इसमें यूज किया जाता है। इनिशियली जो टेम्परेचर है, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाता है फिर मैग्नेटिक फील्ड को कम किया जाता है। तो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1K। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ Ti इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, Tb इज बॉयल्स टेम्परेचर। देखो इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो होता है 2A अपॉन RB, बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वो होता है A अपॉन RB, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 8A अपॉन 27RB। तो यहां से इनमें रिलेशन निकाल लो, तो Ti इक्वल्स टू हो गया 2TB, और इसी तरह से Ti अपॉन TC वो आता है 27 अपॉन 4। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, D आंसर आ जाएगा, D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन आइस पॉइंट एंड रूम टेम्परेचर। आइस पॉइंट का मतलब हो गया कि T2 की बात चल रही है, और T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया 273 केल्विन। फिर टेम्परेचर दूसरा वाला जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू दी है T1, वो कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। तो यहां से COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वो कितनी आ जाएगी, T2 अपॉन T1 माइनस T2, लो टेम्परेचर अपॉन वर्क डन। यहां पर होगा डिजायर्ड इफेक्ट ऑन वर्क डन। ठीक है, तो T2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी 273, ये कितना हो गया, ये हो गया 303 माइनस 273। उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 9। यदि आपसे यहाँ ये पूछ लिया जाता हीट पंप की COP बताओ, तो हीट पंप की COP और रेफ्रिजरेटर की COP में रिलेशन होता है 1+COPR। तो हीट पंप की COP रेफ्रिजरेटर की COP से हमेशा एक ज्यादा होती है ना, और COP रेफ्रिजरेटर का ये फॉर्मूला है, हीट पंप का फॉर्मूला बनता हीट पंप के लिए वो बनता T1 अपॉन T1 माइनस T2। यहाँ लिखा है T2 अपॉन T1 माइनस T2, वहां बनता T1 अपॉन T1 माइनस T2। ये ध्यान रखना, ये दोनों बेस्ड होते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, ये किस पर बेस्ड होते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वायरल कोफिशिएंट्स जो हम पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है लो प्रेशर के ऊपर ना, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है लो प्रेशर के ऊपर, तो लो प्रेशर के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो भी बॉयल्स लॉ हम पढ़ते हैं। उसके अलावा जो वायरल ने कोफिशिएंट्स बनाए थे तो उनका जो ऑर्डर होता है वो होता है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, और इनके बीच में उसने रिलेशन लिखा था कि बी अपॉन ए 10^-3, सी अपॉन ए 10^-5। तो सभी ऑल ऑफ द अबव इसका क्या आ जाएगा आंसर है ना, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, द डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये मैंने आपको शुरू में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, सोडियम हीलियम मेल्ट टू। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU JNU BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे, बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब
हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का, अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो आईआईटी जेईई की बात कर लें, चाहे हम सीयूईटी पीजी की बात कर लें, फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं, तो अभी तक डीयू का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर, डीयू के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट जेएनयू के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट जो है वो आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम के लिए या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सीयूईटी पीजी के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे। अभी एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।